हाय शख्स, हमारे देश में कुर्सी की बड़ी अहमियत है। चाहे वो नेता के कुर्सी हो, ऐसे शख्स की हो या हमारे शख्स की हो। पर जब बात अपने पर्सनल कुर्सी की आती है, ये फिकर निकल जाती है। जबकि हम सबको पता है 8 से 11 घंटे उसी कुर्सी पे निकलते हैं, या तो काम करते हुए या तो गेमिंग करते हुए। सही बात है। इसीलिए सर, आपकी पुरानी कुर्सी को अपग्रेड करने के लिए लाए हैं सेलबेल चेयर्स। नमस्ते, मेरा नाम है पवन डेमला। नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वरदास डेमला। और मैं हूँ चिराग। हम लोग उल्लासनगर से हैं। सेलबेल एक ऑनलाइन ब्रांड है जो स्टाइलिश, कंफर्टेबल और हाई क्वालिटी चेयर्स बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है ऑफिस चेयर्स, सेकंड है बॉस चेयर्स और तीसरी है गेमिंग चेयर्स। हम लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं बल्क ऑर्डर्स के लिए। और शार्क्स, हमने अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा चेयर्स सेल आउट कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने एक छोटी सी आस्क रखी है आप लोगों के सामने, 90 लाख के रिटर्न में 1.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, अपनी डल चेयर्स को दीजिए फेयरवेल एंड से हाय टू कूल एंड कॉम्फी सेलबेल। तो आप क्या कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? यस, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई चेयर यहाँ लगा दो यार। राजा सिंहासन पे बैठ गया। अरे ये लुकिंग, हम इसे राजा बोलेंगे। आप शुरू करिए। वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आई थिंक ये आपके शायद बेटे हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं। हाँ, सो ईश्वरदास जी, आप बताइए, आपने कैसे इस बिजनेस में कदम रखा? इससे पहले आप क्या कर रहे थे और अपने बच्चों के साथ क्यों स्टार्ट किया? मेरा क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है ना, 30 बरस का है। गुजरात की, कर्नाटक, हर स्टेट की मेरे पास चेयर आती थी लॉजिस्टिक में भाई, सर्विसेज के लिए। तो मैं देखता रहता था, ये फर्नीचर बहुत ज्यादा, चेयर बहुत जा रही। तो आपको क्या मूवर्स पैकर्स वाला काम करते थे कि जो ट्रकिंग देते थे? नहीं, पूरे ट्रक्स। अच्छा, अभी बच्चों का ये काम चालू है तो मैं बच्चों के साथ में बैठा हूँ। वो हमारे भतीजों को बैठा दिया वहाँ पे। मैं इस पे एड ऑन करना चाहूंगा, इन्होंने इतने साल ट्रांसपोर्ट करके, सेविंग्स करके मुझे इंजीनियर बनाया और उससे फाइनेंस ग्रेजुएट। अरे वाह। तो इन्होंने चालू किया था कारखाने में एक मजदूर से, धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने कजिन्स के साथ सेटअप किया। हमारे कजिन का गोली का कारखाना, गोली है ना खाने के बच्चे लोग। हाँ। उस कारखाने में थैली भरता था। अच्छा। छोटी उम्र से थैली भरना चालू किया है। कितनी पगार मिलती थी आपको वो टाइम? जब 120 रुपए मैंने। स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन जीवन में एक सपना था कि मेरे बच्चों को कहीं आगे ले भेजूं। बहुत आज अच्छा। इनको आगे भेजने की सोची तो आज मेरे बच्चे में कोई यहाँ तक लेके आने, तो मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी यहाँ पहुँचने की। ट्रांसपोर्ट से कुर्सियों का क्या लिंक है? ट्रांसपोर्ट में मेरे पास माल बहुत आता था, उसमें ज्यादा कुर्सी आती थी। ईश्वर जी, अगर ज्यादा हेडफोन देख रहे होंगे ना, प्लीज मत शुरू कर देना हेडफोन का बिजनेस। ये जो चेयर का बिजनेस है बहुत क्राउडेड है, आप क्या इसमें स्पेशल कर रहे हैं? कि ये जो परसेप्शन है ना, दैट इंडस्ट्री बहुत ही क्राउडेड है, हमें भी बाहर से लगता था, बट अभी हम अंदर से हैं तो देख रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ 4-5 बड़े प्लेयर ही हैं। बात सही कह रहे हो आप। जिनको ऑनलाइन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें से एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी तक इतना इवॉल्व वो लोग नहीं हो पाए हैं, दैट D2C वो लोग समझे। बिकॉज सबके पास जो भी मॉडल है ऑपरेट करने का, वो लोग फुल चेयर बॉक्स के अंदर पैक करके दे देंगे। हम लोग फुल चेयर को डिसेंबल कर देते हैं, DIY कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे ही कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, हमारे यहाँ से वर्चुअल डेमो की सर्विस हमारा कस्टमर सर्विस देता है। तो उन्हें खुद को असेंबल करना पड़ता है। हाँ। आपका USP चेयर से ज्यादा मुझे बार बार ऑनलाइन सेलिंग में लग रहा है। हमें ऑनलाइन बेचने आता है फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, लोग ऑनलाइन चेयर नहीं खरीदना चाहते, अभी भी बहुत जने हेजिटेंट है। आज हम चाहते हैं कि डैट हम ये जो ट्रस्ट बैरियर है ना फर्नीचर को लेके या ऑफिस चेयर को, उसको सॉल्व करें। तो जो लो प्राइस एंट्री लेवल पॉइंट है ना, हम वहां पे फोकस किया है हमने, जहाँ पे हम लो प्राइस अगर उनको बेच देते हैं तो आगे वो कौन सा फर्नीचर ट्राई करेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। राइट, ओके, ठीक है। कैटेगरीज एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास कैटेगरीज फर्स्टली आती है बेसिक चेयर्स, मतलब लाइक एम्प्लॉइज के लिए जो चेयर्स ली जाती है और मैनेजर्स के लिए जो चेयर्स ली जाती है, ये और ये एग्जांपल्स है, ठीक है। दिस गोज फॉर 4,000 घर पहुंचा के, इंस्टॉलेशन वर्चुअल डेमो के साथ इंक्लूसिव एवरीथिंग। आफ्टर दैट कम्स लाइक TL है,
या मैनेजर है तो वो ये चेस लेते हैं या वो चेस लेते हैं। ये कितने की आती है? वो वाली आती है 8,000 की, ये आती है 10,500 वाली। कौन सी वाली है? पर्पल वाली, दैट ब्लैक वन। गेमिंग चेयर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाई है हमारे खुद के यूनिट के अंदर। वो वाली इंडिया में नहीं बनी हुई, ये इम्पोर्टेड है तीनों। अच्छा, और ये दोनों है बॉस चेयर्स। ये कौन सी चेयर पे बैठे हैं? ये गेमिंग चेयर पे बैठे हैं। गेमिंग, ये कितने की आती? कौन सी? ये वाली 16,000 की। ओके, वाओ। आपका कोई पर्टिकुलर चेयर है जो ज्यादा बिकता है? गेमिंग का कितना परसेंटेज है? 20%। 60% दिस बिजनेस। तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 5,000 हो गया? नहीं, यस सर। आपने कौन से साल में शुरू किया ये काम? 2019 में। 3 साल में आपने 50 करोड़ का माल बेच लिया। हाँ, 38 करोड़ नेट रेवेन्यू। 38। लास्ट ईयर कितना बेचा FY22 में? 16 करोड़। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स? 4 करोड़। 4 करोड़ लास्ट मंथ की सेल्स हुई, उसमें घर में कितने पैसे बचे? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो 17-18 लाख। ग्रोस मार्जिन क्या है धंधे का? 52%। नेट 5% ही होता है? 5%। मतलब एबिटा इज 7.8, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गया क्या? 20% कस्टमर एक्विजिशन, इसके अंदर सब मार्केट प्लेसेस की कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सब आ गया। चलिए आप मार्केट साइज बताइए, उससे समझ में आएगा टोटल मार्केट साइज इंडिया में क्या है। हमारे बिजनेस का परसेंटेज? आपके बिजनेस का नहीं, मार्केट का। ठीक है, अभी जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तभी के टाइम पे 2019-20 के बीच में हमें सर्च मिला था दैट 10 लाख करोड़ का मार्केट है सिर्फ इंडिया में। गूगल पे हमने किया था। कुर्सी का मार्केट, चेयर्स का मार्केट, क्योंकि 10 लाख करोड़। आप 10 लाख करोड़ रुपया जानते हो कितना होता है? बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, कितना? इंडिया की GDP क्या है मुझे बताइए अभी। $3 trillion आप बोल रहे हैं कि इंडिया की GDP का 5% कुर्सी का बिजनेस है? आप जरा सोचिए क्या बोल रहे हो। देखिए स्टेज पे डेटा का इधर उधर होना थोड़ा नहीं, फिर भी अंदाजा लगाना इस पे क्लियर बात बताओ जो आए हो। गूगल वूगल छोड़िए, आप अंदाजे से बताइए कितना। मैं अंदाजा नहीं, क्लियर डेटा मैंने जो रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी पूछा है, अराउंड 5 मिलियन, अराउंड 50 लाख IT एम्प्लॉयज हैं चेयर खरीदने के। चलिए आप 10 मिलियन चेयर्स की भी अगर मार्केट पकड़ लें। हाँ सर, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया, हर साल तो बदलती नहीं है। 5 साल भी इसका अगर हम साइकिल पकड़ लें तो हर साल 2 मिलियन चेयर बिकेगी, मतलब 1,000 करोड़ का मार्केट हो गया। थोड़ा एग्जैजरेट कर लें, 1,000 से 2,000 करोड़ का मार्केट। हाँ ठीक है, परफेक्ट। इसमें गेमिंग कितना है? गेमिंग वुड बी 20-25%। नहीं, अभी गेमिंग इवॉल्व हो रहा है हमारे इंडिया में। पर आपने बोला कि मार्केट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था IT एम्प्लॉइज। हाँ, तो वो गेमर्स तो है ही नहीं ना, मतलब पवन चिराग नहीं पता तो बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता, मार्केट साइज गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, देखो मेरे को क्या लगता है, आपको फोकस बनाना चाहिए। आपने गेमिंग का पकड़ा है तो उसको फोकस, बिकॉज बाकी ये कमोडिटी बिजनेस है, मोटा मोटी काफी लोग कर रहे हैं। आज जिन लोगों को नहीं बेचना आता ऑनलाइन, आप मान के चलिए अगले 5 साल में उन सबको आ जाएगा। तो आपको चूज करना है, आपको सप्लाई चेन में अपना स्ट्रेंथ बनाना है या एक पर्टिकुलर चेयर में बनाना है। आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मुझे कोई कोर डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है और आप में अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मेरी 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि यू नो लाइक पीयूष से ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है एंड मुझे नहीं लगता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी, दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकेंड प्रॉब्लम, जब हम एक इन्वेस्टर होते हैं तो वी कम विद द एक्सपेक्टेशन कि एक एग्जिट होगा हमारा, राइट। मुझे ये वेंचर में उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी माय एग्जिट, एंड फॉर दैट रीजन इट डजंट एक्साइट मी एज एन इन्वेस्टर, सो आई एम आउट, बट फैंटास्टिक सेल्स, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को आपकी चेयर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। मैं आउट हूँ अभी, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। जब कोई कमोडिटाइज कैटेगरी होती है ना तो उसमें ब्रांड जितना जल्दी हो सके उसमें बिल्ड करो और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओ। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओगे जैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, क्यों एर्गोनॉमिक फिट है, क्यों अच्छी है, कितने घंटे बैठ सकते हो, क्या रीजनिंग है, ये दोनों चीजों पे फोकस करो, ब्रांड और प्रोडक्ट, बाकी चीजें फॉल इन प्लेस हो जाएगी। एग्री सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आपका अप्रोच कम्प्लीटली गलत लग रहा है। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक गेमिंग चेयर लेनी चाहिए, उसको कम्प्लीटली रिवर्स इंजीनियर करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी है, फिर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए री इंजीनियर कीजिए एंड क्रिएट अ 5,000 रुपी चेयर फॉर एम्प्लॉयज, 3 कलर्स ओनली, ठीक है, कम से कम एसके। उसके बाद
उसी चेयर को थोड़ा और फैंसी बनाकर एक गेमिंग चेयर बनाई 10,000 rupees, 3 SKUs ओनली, और फाइनली एक 20,000 की कुर्सी बनाई है विच इज कम्प्लीटली कस्टमाइज, जो किंग ऑफ गेमिंग है, जो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो, राइट? That should be your approach. जब आप वो करेंगे तब आप एक ब्रांड बना पाएंगे, एक प्रोडक्ट की अपील होगी, लोग को सोचना नहीं पड़ेगा इसको कैसे खरीदे, कौन सी खरीदे, कैसे जाके देखे, यू कैन जस्ट क्लिक एन ऑर्डर, तब आपकी ब्रांड बने, राइट? लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं दिखा, ठीक है? तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? Yeah, all the best. Thank you, sir, for feedback. चलिए, चार sharks out हैं. मेरी भी जो वर्किंग है वैल्यूएशन की, वो मुझे अभी तक ऑनलाइन मार्केट शेयर का 1,000 crore होगा कि नहीं, वो जो ऑफलाइन प्लेयर्स उनको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, वो मेरी आंकड़े बैठ नहीं रहे हैं, तो इस इन्वेस्टेबल अभी नहीं है. सो आप बहुत बड़ी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंपनी बनाइए. वी विश यू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.